खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं साथी प्रज्ञा ठाकुर की, जिन्होंने एक बार फिर माफी मांगी है। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के ये बड़ी खबर है, उन्होंने सदन में तो माफी मांगी ही, प्रज्ञा ठाकुर सदन में माफी दोबारा मांगेंगी। उनके माफी मांगने के बाद हंगामा हुआ था, अब सर्वदलीय बैठक के बाद ये फैसला हुआ है कि 12:20 पर सदन में प्रज्ञा ने खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन उसके बाद हंगामा हुआ। अब सर्वदलीय बैठक में ये फैसला किया गया है कि साध्वी दोबारा माफी मांगेंगी। विकास भदौरिया हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, एक बार माफी मांग चुकी हैं, खेद जता चुकी हैं, अब सर्वदलीय बैठक में ये फैसला किस लिहाज से किया गया कि उन्हें दोबारा सदन में माफी मांगनी होगी? देखिए, पहले जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी थी, उस सशर्त माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगती है, और इसी लाइन पर तमाम विपक्षी दलों की आपत्ति थी। हालांकि कांग्रेस की आपत्ति अभी भी है। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूरे सेशन के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको इस सेशन से निलंबित किया जाना चाहिए। हालांकि बाकी सभी दल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से बिना शर्त माफी मांगकर सदन में अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार प्रज्ञा ठाकुर माफी मांग चुकी हैं तो दोबारा माफी मांगने के लिए उनसे क्यों कहा सर्वदलीय बैठक के फैसले ने, तो इसलिए कहा क्योंकि पहले उन्होंने खेद के साथ माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूं, लेकिन सदन चाहता है कि प्रज्ञा ठाकुर बिना शर्त के माफी मांगे और कहें कि मैं अपने बयान के लिए क्षमा प्रार्थी।